सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, 2500 रुपए सोना सस्ता हो गया है। जहां सोना खरीदने का ये सबसे सुनहरा मौका है, काफी दिनों बाद सोने के दामों में गिरावट हुई है। सोने की कीमतें काफी समय से एक ही दायरे में बनी हुई थी। गोल्ड की कीमतें अब 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे आ गई है। पिछले महीने मजबूत मांग के बाद सोने पर दबाव बना हुआ है। नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सोने में कुछ मजबूत खरीदारी देखने को मिली थी। पिछले महीने की शुरुआत में सोने का भाव 61,800 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने में 2500 रुपए प्रति तोले की गिरावट आई है। और ऐसे में अगर सोना खरीदना है आपको तो ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। आरएसबीएल के प्रबंधक निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने ये भी कहा है कि 13 जून को अमेरिकी फेड की बैठक से पहले सोने की कीमतें लगभग 60,000 रुपए के स्तर पर है। उन्होंने कहा, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि लगातार 10 बार बढ़ोतरी के बाद क्या फेड जून की बैठक में ब्याज दर को रोकेगा या अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखेगा। 60,000 रुपए के आधार पर फिलहाल बना हुआ है गोल्ड, 60,000 के नीचे ही है गोल्ड। ऐसे में सोने की कीमत, देखिए, सोने पर अपनी तेजी के नजरिए को बरकरार तब तक रखेंगे जब तक ये 58,600 रुपए के स्तर से नीचे नहीं टूट जाता। वही उल्टा ये 61,440 रुपए के आसपास छू सकता है। इसके ऊपर अगला स्तर 62,500 रुपए हो सकता है, यानी कि सोने की कीमतें आगे जाके बढ़ सकती है। तो अगर आप अभी सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना फिलहाल 59,960 रुपए तोला है, तो ये काफी सुनहरा मौका है।